नाज़रीन ग्रामी, रूस दुनिया का सर्द तरीन मुल्क है, मगर वहां ये मोहलिक वबा नहीं है। तुर्की भी सर्द मुल्क है और ईरान का पड़ोसी है, मगर वहां भी ये मोहलिक बीमारी नहीं है। अफगानिस्तान ईरान का पड़ोसी है, मगर वहां भी ये मूजी मर्ज नहीं फैला। दुबई भी ईरान का करीब तरीन है, मगर वहां भी ये मोहलिक बीमारी नहीं है। अरब के दीगर ममालिक में इस वायरस से किसी के मरने की कोई खबर नहीं। ये वायरस अमेरिका, इसराइल और बर्तानिया को छोड़कर आखिर यूरोपीय यूनियन और उसके ममालिक चीन, इटली, स्पेन और ईरान और पाकिस्तान में कैसे पहुंचाया? इन ममालिक में वायरस क्यों आया? इसके पीछे जो साजिश और खुफिया मंसूबा है वो आपकी आंखों को हैरत से खोल देगा। नाज़रीन-ए-ग्रामी, चीन इस वक्त दुनिया का मुआशी रीच बनता जा रहा था और अमरीका ने मुतअद्दिद बार चीन को रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। अमरीका इस पोजीशन में भी नहीं था कि वो चीन से जंग कर सके, लिहाजा उसने अफगानिस्तान से निकलते ही दुनिया की तवज्जो इस वायरस की तरफ मबजूल करवा दी। तालिबान से अमन मुआहदा होने की देर थी कि चीन में वायरस की खबर दुनिया भर में फैल गई। चीन को मुआशी सुपर पावर बनने से रोकना था और इस काम के लिए अमरीका अकेला काफी नहीं था। अमरीका ने चीन की मईशत को कंगाल करने के लिए अपने साथ बर्तानिया और इसराइल को भी मिला लिया। तयशुदा प्लान के मुताबिक इस वायरस को चीन के शहर वुहान में 2 माह कबल मिलिट्री मशकों के दौरान छोड़ा गया था। अमरीकी फौज के वापस जाते ही वुहान शहर में इस वायरस की वबा ने सर उठा लिया। शुरू में चीनी हुकाम को इस बात की समझ नहीं आई कि वायरस आखिर फैला कहां से है। वायरस से मुतालिक चीन ने खबरों को रोकने की कोशिश की, मगर बात उस वक्त तक इसकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर निकल चुकी थी और यह मामला अमरीका के जेरे असर मीडिया ने दुनिया भर में उछाल दिया था। अमरीका का पहला निशाना कामयाब हुआ और वायरस ने चीन और चीनियों को दुनिया भर में मशकूक और अछूत बना डाला। वायरस चीन से निकलकर इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और ईरान तक जा पहुंचा। जब इन ममालिक में हलाकतों की खबरें आना शुरू हुई तो अमरीका ने IMF, वर्ल्ड बैंक और आलमी इदारे सेहत के सरबराहान को खुफिया पैगामात के जरिए इन ममालिक को इमदाद देने के ऐलानात करने का कहा। बर्तानिया ने भी इमदाद का ऐलान कर दिया और इमदाद का ऐलान सुनते ही वो ममालिक भी मुतासिर होना शुरू हो गए जहां एक भी केस रजिस्टर ना हुआ। बर्तानिया के यूरोपीय यूनियन से निकलते ही अमरीका ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा कि मिलकर दुनिया पर हुकूमत करते हैं। बर्तानिया से ताल्लुकात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमरीका ने यूरोपीय यूनियन के अफराद पर भी अमरीका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि बर्तानिया से कहा है कि उसके शहरी अमरीका आ सकते हैं। दोस्तों, 2019 के आखिर तक आदादो शुमार के मुताबिक चीन दुनिया के 124 ममालिक के साथ तिजारती तौर पर मुंसलिक हो चुका था और इसकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स इन 124 ममालिक तक पहुंच रही थी, जबकि 2019 के आखिर में अमरीका का तिजारती राबता सिर्फ 56 ममालिक तक महदूद था। अमरीका ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे के नाम पर शॉपिंग की मद में एक दिन में $5.8 बिलियन कमा रहा था, जबकि चीन सिर्फ एक दिन में $14.3 बिलियन मालियत की अशिया फरोख्त कर देता था और चीन की यही तरक्की अमरीका के पेट में मुसलसल मरोड़ पैदा कर रही थी। चीन की राह रोकने के लिए अमरीका, बर्तानिया और इसराइल दुनिया का मुआशी सुपर पावर बनने का मंसूबा शुरू कर चुके हैं और इस मंसूबे के मुताबिक पहले उन्होंने चीन को निशाना बनाया और फिर उन ममालिक को टारगेट किया जिनके चीन के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी तालुकात थे। यूरोप के बड़े ममालिक में चीनी मसनूआत ने अपना अड्डा कायम कर लिया था। ना सिर्फ यूरोप बल्कि मिडल ईस्ट, अरब ममालिक और पाकिस्तान तक चीन ने तिजारती रसाई हासिल कर ली थी। ये सारी सूरतेहाल अमरीका को किसी सूरत कबूल नहीं थी कि चीन मईशत में उससे आगे निकले। अब हालात ये हैं कि अमरीका ने सारी दुनिया को इमदाद का लालच देकर वायरस ज्यादा बना डाला है और खुद आज दुआया तकरीबात का दिन मनाने का ऐलान कर रहा है। अमरीका ने चीन को नंगा करने के लिए मीडिया का सहारा लिया और दुनिया को बताया कि चीन से कुछ भी नहीं लेना वरना वायरस से मर जाओगे। अब दुनिया का हर मुल्क, हर शहरी चीन से एक पैसे की भी चीज लेने का नहीं सोच रहा, भले वो मुफ्त ही क्यों ना मिले। ईरान चूंकि पहले से ही अमरीका और इसराइल के निशाने पर था तो इसको मजीद कमजोर करने के लिए इस वायरस का सहारा लिया गया। अब आगे पाकिस्तान बचता था जहां चीन की खरबों डॉलर की सरमायाकारी चल रही है। हुकूमत ने आओ देखा न ताओ और पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि हमारा तमाम तर दारोमदार चीनी मसनूआत पर था।
और वो आना बंद हो गई और जो कारोबार चीन की मसनुआत पर चल रहा था वो ठप होकर रह गया। प्यारे दोस्तों, वायरस की अफवाहों ने ना सिर्फ चीन को मुतासिर किया बल्कि पाकिस्तान में सीपैक पर काम करने वाले अफराद, इंजीनियर्स और कंपनियां चीनियों से भागने लगी। दुनिया को सुई से लेकर एटम बम देने वाले चीन की हालत अब ऐसी हो गई है कि वो दुनिया से मास्क भेजने की दरखास्त कर रहा है, और यही अमरीका चाहता था कि चीन ऐसी हालत में आ जाए कि वो आगे ना निकल सके। अमरीका ने इराक, अफगान और शाम की जंग में खरबों डॉलर जाया किए हैं और कहीं भी कामयाबी नहीं हो पाई। लगातार जंगों के बाद अमरीका इस नतीजे पर पहुंचा कि अब ऐसी जंग लड़ी जाए जिसमें एक भी अमरीकी फौजी ना मरे और हम दुनिया पर राज भी करें। आज अमरीका अफगानिस्तान से भी निकल चुका, इराक में भी चंद सौ फौजी हैं और शाम में चंद दर्जन। सालों से लड़ी जाने वाली इन जंगों का नुकसान अमरीका को किस तरह पूरा करना था और ये खसारा पूरा करने के लिए उसे तिजारत का सहारा लेना था, लेकिन चीन उसके आगे पहाड़ की तरह खड़ा था। और यहां पर चीन से जंग असलह से नहीं बल्कि दिमाग से लड़नी थी, और बिल आखिर अमरीका चीन से लड़े बगैर ही अपनी जंग जीत गया, और इसने महज एक महीने में ही चीन जैसे मुआशी रीच को पांव के बल बिठा दिया। अब मंसूबे के मुताबिक आने वाले दिनों में अमरीका, इसराइल और बरतानिया दुनिया में अपनी मसनुआत को बेचेंगे, और चीन जब तक अपने पांव पर खड़ा होगा तब तक वो इन सब के नीचे लग चुका होगा। अमरीका ने पूरी मंसूबा बंदी के साथ चीन का मुआशी घिराव किया, और इस सिलसिले में उसने सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे ममालिक को भी इस्तेमाल करते हुए डराया कि किसी को भी अपनी तरफ ना आने दो वरना मारे जाओगे। और अब हाल यह है कि खाना काबा शरीफ का तवाफ तक बंद कर दिया गया है। प्यारे दोस्तों, ये वायरस शायद इतना खतरनाक ना हो मगर इस वायरस की आड़ में चीन के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करके चीन को गंदा किया गया है वो वायरस से भी ज्यादा खतरनाक तरीन साबित हुआ है।